उठें तो वैसी धूप हो जाती है, एटलीस्ट थैंक गॉड जगहें धुल गई हैं, जो पौधे और दरख्त हैं वो भी धुल गए हैं और उनकी भी नशो नमा हो गई है और एक वो अमेजिंग सी फीलिंग होती है ना, नेक्स्ट डे अगर धूप निकलती भी है तो उसकी गर्माइश थोड़ी कम होती है। सो मानसून हैज़ अराइव्ड, जो जो सावन का मौसम है वो आ चुका है और बड़े लोग खुश हैं। जितने लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, बहुत सी जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है, सो दे वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शो में हिस्सा ले सकते हैं आप कॉल करके 0514100249 पे। उसके अलावा के2 सर मिशी खान का जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें, उसके अंदर इनबॉक्स कर सकते हैं। और साथ साथ जो मिशी खान ऑफिशियल है वो है इंस्टाग्राम पे, मिशी खान @MishiLicious इज़ ऑन ट्विटर। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप ये शो देख सकते हैं, www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप ये शो लाइव देख सकते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि स्नैपचैट स्टोरी अगर आपने फॉलो करनी है, दैट्स खान मिशी 77 एंड टिकटॉक पे मिशी खान ऑफिशियल। इतने ज़्यादा जगह आ गई हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे कि फेसबुक है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, फिर उसके बाद ये अब नया जो टिकटॉक है, और फिर टिकटॉक पे आपको पता है कुछ 24-30 मिलियन भी किसी के फॉलोअर्स हैं। सो ये सारी जगह जो है ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने जिनके 24 मिलियन या 20-30-40 मिलियन है, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को। और हमारी यूथ माशाल्लाह से दुनिया में यूथ जो है वो ज़्यादा है, और जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे प्यारे, वो ज़ाहिर है रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया का ये असूल है कि दुनिया में जब आप आते हैं तो एक वक्त होता है कि आपको जाना होता है, लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट में लोग होते हैं। एंड आई होप एंड प्रे कि जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो कुछ जो अपने नॉर्म्स हैं और अपने जो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और जो हमारे कस्टम्स हैं उनको भी याद रख के साथ लेके चलें, तो फिर मज़ा आता है। क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि बहुत अफरा तफरी का ज़माना है। अफरा तफरी में ये होता है कि आप जल्दी में चाय जो है वो हाथ में दे देते हैं और ट्रे में नहीं देते। ओल्डर जनरेशन जो है वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है, मतलब वो नैपकिन भी देंगे साथ में, एक प्रॉपर उनका एक स्टाइल होता है जिससे वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं सुबह। यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट्स में आजकल बिलीव करते हैं, जल्दी से कुछ करना हो, बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। सो टॉलरेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बर्दाश्त है जो कि अब ना होने के बराबर ही है। सो आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। आज मैं जब आ रही थी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली टी, जब मैं आ रही थी तो मुझे इतनी खुशी हुई नाज़रीन कि एक लेडी को मैंने देखा, ब्राइट पिंक कलर की उनका स्कूटर था। अच्छा, पीछे से मैं जब जाए मैंने कहा बड़ा प्यारा स्कूटर जा रहा है, ऊपर एक लेडी बैठी हुई, चादर पहनी हुई, उन्होंने पीछे पता नहीं काफ़ी सारा सामान रखा हुआ, कुछ करने के लिए जा रही होंगी उनको काम शाम। एंड आई वाज सो हैप्पी, वो मैं तस्वीर लेना चाह रही थी लेकिन ट्रैफिक इतनी थी कि वो फिर मैंने कहा ये ना हो कि मैं यहाँ ना पहुँच सकूँ और मैं किसी टीले के ऊपर मेरी गाड़ी समेत हूँ और खुदा ना करे एक्सीडेंट ना हो। बट शी वॉज लुकिंग सो क्यूट और मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए हर कोई आजकल के ज़माने में, वो भी इतने टैक्सेस जो हमारे सर पर लाद दिए गए हैं, उसके साथ तो आप गाड़ी लेने का नहीं सोच सकते, बट ये कम्यूटिंग के लिए आपने अगर मोटरसाइकिल या स्कूटीज जो होती हैं वो आपने ले लें, तो ख़वातीन भी बहुत सारी कामों पे जाती हैं, दूर दराज जाती हैं, तो बजाय ऊबर और जो क्रीम है इसके ऊपर जो पैसे खर्च करें, तो आपके अपनी जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया होना चाहिए ना। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, सो बड़ा अच्छा लगा मुझे, इट वॉज रियली नाइस। मैंने कहा वो मुझे बड़ा शौक है हमेशा से मोटर बाइक और ये स्कूटर चलाने का, क्या पता किस दिन मैं ले ही लूँ। अच्छा है ना, बचत होगी नाज़रीन। आजकल तो हर कोई बचत की सोच रहा है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि अभी अगले महीने से बिजली के नर्ख जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब फेसबुक पे ही मैं एक बुज़ुर्ग थे, उनका एक बहुत ही छोटी सी किराना स्टोर था, उधर पंखा लगा हुआ था, तो एक लेडी ने वो उनके साथ वीडियो क्लिप जो है लगाई कि वो कह रही थी भाई आपने बुज़ुर्ग से दे, आपने पंखा कहते हैं बिल बहुत आएगा, पता नहीं इस दफ़ा का बिल टैक्स लगा के कितना आता है। तो गर्मी में बैठे हुए थे लेकिन पंखा नहीं चला रहे थे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो प्लीज़ देखें, आप लोग कमाते हैं जो भी थोड़ा बहुत आपके पास होता है, आपकी सेहत है, आपकी मूड अच्छा है तो काम चलेगा आगे। जितने लोग काम करने वाले हैं उनको अपनी कंफर्ट का ज़रूर थोड़ा सा सेल्फिश होना ज़रूरी होता है, वो लोग अपनी कंफर्ट को साइड पे करके, जी बच्चे हैं फलाने हैं, बहुत सारे लोग जो है बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं
और कोई अपने लिए वो आराम वहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं करते, सारा पैसा वो अपने बच्चों बीवी को या अपने वालदैन को घर वालों को भेज रहे होते हैं। इधर वाले लोग वहाँ खा पी के आराम से बैठे होते हैं, कोई काम नहीं करना कि जी अब्बू हमारे जो हैं वो बाहर काम करते हैं दुबई में या सऊदीया में, और वहाँ पे ऐसे पैसे आ जाएंगे रियाल्स में और दिरहम्स में या डॉलर्स में या पाउंड्स में, तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। तो कुछ ऐसे काहिल लोग भी हैं। सो प्लीज़ वर्क, काम हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। एक घर में अगर 5 लोग हैं और 5 में से 4 जो हैं वो बालिग हैं, उन सबको काम करना चाहिए। और वो ख़वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती, कोई बात नहीं, आप घर में बेकिंग कर सकती हैं, कपकेक्स बेच सकती हैं, केक्स बेच सकती हैं, खाने अच्छे बनाती तो केटरिंग का काम कर सकती हैं। यू मेक योर सेल्फ यूजफुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने मल्टीनेशनल में जाके किसी कुर्सी पे बैठ के झूले खाने हैं, आप अपने आप को इस तरीके से भी यूजफुल कर सकते हैं। आज का सवाल आपको बता दूँ कि परिंदों में सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है, परिंदों में से सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है, आगे लिखा हुआ भी है। दिल तो जा रहा है नाजिन बोलूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोगों को सोचने का मौका देती हूँ। कॉल करें 4102249 पे। आज एक बार कहो तुम मेरी हो, अहमद जहाज़ेब का जो बड़ा ज़बरदस्त एक लैला मजनू का भी उनका सॉन्ग था जो मशहूर हुआ था, उनका सॉन्ग सुनाएंगे। कॉल लेने से पहले बता दूँ गुलाम अब्बास गुल होंगे हमारे साथ आज, स्पिरिचुअल हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड कलर थेरेपिस्ट हैं। और दूसरी जो मेरी मेहमान है वो ब्लॉगर हैं और पोइट हैं, नेहा चौधरी होंगे हमारे साथ, तो खूब सारा मज़ा आएगा। और आज नाजीन जो आपको बनाने दिखाने जा रही हूँ ना, वो भी आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। कॉल से बात करते फिर आपको कपड़े दिखाती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत अच्छा है। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। वेलू बंद करके। अच्छा जी जी फरमाइए। बहुत बहुत मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, और आपने जो प्रोग्राम हमें दिखा रही है और इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए आप जारी रखे, और मैं पहले बार आपको कॉल कर रहा हूँ। आज मैं दिन भर सुबह से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आ गया, और बच्चों को भी मैंने नहीं छोड़ दिया, सब भी मैं दिन भर केटू सुन रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको हमेशा कॉल करते रहूंगा, और आप प्रोग्राम को अच्छा चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भाई? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सरफराज खान है और गिलगित बल्तिस्तान का रिहायशी हूँ। अच्छा सरफराज खान साहब, थैंक यू सो मच। गिलगित बल्तिस्तान से हमें बड़ी प्यारी कॉल्स आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना पसंद किया, और आपके घर वालों को भी मेरा खास सलाम। और आजीन आज बन रही है टोस्ट मेलबा। अच्छा टोस्ट मेलबा जो है, आप सोचे होंगे ये क्या है, तो टोस्ट के ऊपर जो जिस तरीके से सब कुछ होगा उसको मैंने मेलबा कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली फेमस जो चीज़ है रेसिपी है वो है पीच मेलबा, लेकिन मैंने कहा चलो टोस्ट मेलबा कर देते हैं, इसमें क्या हर्ज है, मेलबा ही करना है ना, क्योंकि ये नाजीन वो वाला मलबा नहीं है जो सर पे गिरता है टैक्सीज की तरह सूरत में कि मेरे पे मलबा गिर गया, ये टोस्ट मेलबा है। और साथ में कप केक्स विथ फ्रॉस्टिंग। कप केक्स मैंने कल बना लिए थे, कल या परसों के उसमें मैं आपको एक्चुअल बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी है, ग्राम्स के अंदर कप्स को छोड़ें, कप्स को लेके उसका कोई और उसे चावल या दालें निकाला करें, जो कप सिस्टम है ग्राम्स में मैं आपको बताऊंगी। आज कपकेक्स मैं रात को 6 बना के लाई हूँ, उसकी जो फ्रॉस्टिंग है ना वो मैं आपको करना बताऊँगी। फ्रॉस्टिंग भी बड़ी ईजी है, आप व्हिपिंग क्रीम कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लें, और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना, उसको अच्छी तरह से बीटर से बीट करना है, वो फ्लफ़ी हो जाएगी। उसके बाद आपने पाइपिंग बैग में डालना है, और उसके बाद आपके कपकेक्स ऑलरेडी जो बने हुए हैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह नहीं, ये कपकेक्स मैं बना के लाई हूँ, रात को मैंने बनाए थे 6, टाइम कम था, नींद आ रही थी, तो मैंने 12 बनाने थे लेकिन 6 बनाए। आज का ड्रेस आप देख ले, बड़ा यूनिक सा कलर है नाजी, और इस कलर का दुपट्टा मुझे मिलने में कोई एटलीस्ट 1 महीना लग गया, ये चेक कर लें, बड़ा प्यारा यूनिक सा कलर है। ये मुझे सूट बड़ा पसंद आया था, तो आपको पता है ईद से पहले मैंने खूब सारे सूट सिलवाए, तो ये भी उनमें से एक था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बहुत ही गॉडी है, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, तैयार हो गॉडी कपड़े पहने मज़ेदार से, जितने गॉडी कपड़े पहनते हैं आपका मूड भी गॉडी गॉडी हो जाता है, गॉडी गॉडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें भाई, कॉल ही कट गई। तो आज आपको बताती हूँ मैं कपकेक्स पहले से बना के लें, उनको मैं बाद में बनाऊँगी, उससे पहले का रेसिपी भी बता दूँ, लेकिन इसके अंदर
अब देखिए मैं ये घर से बना के फ्रॉस्टिंग लाई हूँ इसकी, बहुत इजी है। व्हिपिंग क्रीम लें, उसमें ऑलरेडी स्वीटनर ऐड होता है, ये देख लें, ये हमारी आज जो फ्रॉस्टिंग है ये देख लें, ये फ्रॉस्टिंग हमारी, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा और बीट करना है। इसके ऊपर मैंने कैरमल सॉस थोड़ी सी ऐड की है, आपका दिल चाहे तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं अलग-अलग तीन सेक्शंस में निकाल के। इसमें फूड कलर यूजली मुझे पसंद नहीं, बेखैर मैंने अभी इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखा था, एक्चुअली इसको थोड़ा सा और बीट करना था, बट ज़ाहिर है आते जाते में उसका वो ख़राब हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी जब फ्रॉस्टिंग होगी तो बहुत सही लगेंगे। और आपको बता दूं कि आज टोस्ट मेलबा के लिए आपको टोस्ट चाहिए, 2 से 4 अदद अंडे चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत बारीक, थैंक यू गुलदाद भाई का कि उन्होंने इतने प्यारी कटिंग की है ना कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही बारीक, मतलब इतनी बारीक होनी चाहिए कि बिल्कुल घुल जाए। ये देख लें आप, बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये देख लें, ठीक है, ये बारीक कटी हुई बंद गोभी है, बारीक कटी हुई गाजर है, बारीक ही कटी हुई धनिया है, और बहुत बारीक कटा हुआ प्याज है। इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हसबे जायका काली मिर्च डालेंगे और हसबे जायका नमक डालेंगे, और अंडे जो हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम इसको सारे को बनाएंगे कैसे। तवा आपको एक चाहिए अच्छा सा, उसको मैं अलहदा से थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, और इसके ऊपर हमने बहुत क्विकली बनेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मिश्रण क्या हाल है, खैरियत है? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? जी फारूक आबिद नाम है जी, लावा से बोल रहा हूँ और K2TV का रिपोर्टर भी हूँ। अच्छा, मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है, एक तो अगले दिन आई थी वो आपके जो है ना जहाँ आप प्रोग्राम करती हैं वहाँ, वो तो फिर गई है, दूसरी आपसे बात करना चाहती है। अच्छा अच्छा, प्लीज करवा दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? किंजा बात कर रही हूँ। किंजा, क्या हाल चाल है किंजा आपके? ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, थैंक यू किंजा, सो स्वीट ऑफ यू। तो कोई चीज रेसिपी अम्मी ने आपने ट्राई की? नहीं अभी तक तो कोई नहीं की। अच्छा, तो आज ये जो मैं टोस्ट के ऊपर अंडे का जो पूरा बना रही हूँ ये देखना, बहुत ईजी है और ये तो हर एक के घर में होता है। अच्छा, अब हम सब घर वालों को हेलो कह दे, मेरी बहन कश्माला को और अरियान को। अरियान अस्सलाम वालेकुम हेलो, और कश्माला को अस्सलाम वालेकुम हेलो, क्या हाल चाल है? मेरी तरफ से बहुत सलाम आपके सब घर वालों को, बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव एंड अफेक्शन आई गेट नाजरीन। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। नाजरीन कहने का मुझे बड़ा शौक है। अच्छा, फ्राइंग पैन में कमर्शियल ब्रेक है, तुम किधर जाता? इधर आओ नाजी, हमारी जहाँ कलर कोऑर्डिनेशन देखें, इधर आओ जल्दी आओ, ये तो अभी हुआ है ऐसा, ये देखें, हाय 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 हाय, ऐसे लग रहा है ट्विन्स है, हैं एग्जैक्ट, कि मेरी जो बहन है उसकी मूछें और दाढ़ी है, हैं। अच्छा नाजी, हम ब्रेक पे जाना है, ठीक है, ब्रेक इधर खड़े रहो नाजी, ब्रेक पे जा रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेशन इज़ अमेजिंग, कुछ टेलीपैथी चल रही थी आज जुहैब की और मेरी, तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो जो टोस्ट मलबा है उसकी रेसिपी आपके सामने शेयर करूँगी मैं। कि इसमें चीज़ें डाल देनी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको, ये बारीक कटे हुए, ये देख लें, ये बंद गोभी डाल दी, बहुत अच्छी कटिंग की है भाई गुलदाद भाई ने, वाह 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 माशाल्लाह, और ये गाजर डाल दी, ठीक है, और साथ में हरा धनिया भी ऐड कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे, थोड़ा सा नरम करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हो मेरा प्यारा प्यारा बिटिया, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा मिशी खान, और मेरा तमाम K2 चैनल का देखने वाला और तमाम अकाश सर कामरान को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा आदाब और सलाम अर्ज करता है ये बुढ़ा बंदा। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार मोहब्बत से सबको सलाम और सबको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़े अल्लाह का शुक्र है, और बच्चों की बड़ी दुआएं हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आज क्या सुनाइए, मैं अल्लाह का फजल, 5 दिन कैसे गुजरे? 4 दिन सर, एक दिन तो मैंने जाके कुकिंग क्लास ली, एक बड़ी अच्छी लेडी है तहरीम्स होम बेक्स, तो वो बड़ी अच्छी बेकिंग का मैंने कोर्स किया वहाँ पे एक दिन का क्विक सा, और उसके बाद बाकी दिन बस मैं अपनी पॉटरी बना रही थी और कुछ पेंटिंग्स वेंटिंग्स बना रही थी, उसमें टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। वो आपने काम बड़ा अच्छा पकड़ा है,
बहुत अच्छा पकड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा मसरूफियत रहती है उसमें। जी जी सर बिल्कुल। फिर एक दो मूवीज अच्छी देखी, मूवीज भी देखने का शौक है, एक दो किताबों का थोड़ा बहुत मुताला किया, तो पता ही नहीं चला टाइम का, बल्कि मैं सोची थी गॉड 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का दिन होना चाहिए था। और आपका ड्रेस बड़ा प्यारा है। थैंक यू। आपका खूबसूरत सेट, सेट बनाने वालों ने जिस मेहनत से सेट बनाया है, थैंक यू सर, उन्होंने कमाल मेहनत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब हाफिज साहब का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी कॉल आप तक पहुँचाई। हाफिज साहब कभी कभी अच्छे मूड में होते हैं, वैसे तो ठीक होते हैं, लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया उन तक पहुंच गया है आपका पैगाम। देखिए जी हाफिज साहब जो होते हैं कभी किसी सूरत की तलावत करते हैं, कभी जलाली सूरत की तलावत करते हैं, किसी जमाली सूरत की तलावत, उनको पता तो कोई नहीं होता किस हाल में आओ। हाफिज जमाली हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। अच्छा आज के सवाल का जवाब देंगे, कहाँ गए? ओ नो कॉल ड्रॉप हो गई, माफ कीजिएगा नाजी। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सौते करके ये देख लें, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है आधा टीस्पून, चुटकी बराबर इसमें काली मिर्च और हसबे जायका नमक डाला है। इसको अब हम रख देंगे साइड पे, इसको साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मतलब थोड़ी सी हीट लगेगी, दो अंडे अच्छी तरीके से बीट करेंगे। और बीटिंग वाला किधर गया? ओए ओ शुक्रिया। और नाज़रीन मुख्तार आ चुके हैं सेट पे, बहुत मुबारक हो मुख्तार हामिद राजा आ चुके हैं। और नाज़रीन मुझे उड़ती उड़ती चिड़िया ने यहाँ पे सेट पे पता लगा है कि कल यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने K2 में 15 साल, ABT में 15 साल, खैबर में 15 साल की उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी, उनको अवार्ड्स मिले हैं नाज़रीन, अवार्ड्स। तो ब्रावो मुख्तार को भी मिला अवार्ड। मुख्तार अब तो ट्रीट बनती है भाई, अब मैं कल या परसों के प्रोग्राम में हमें टीरीट चाहिए, टीरीट तो देंगे हैं तो बहुत ज़बरदस्त। मेरे लिए नाज़रीन बेकवेल से केक बर्थडे पे दिन आ गया था, तो मुख्तार हैं बड़े जेनरस और उनसे हम बोलेगा कि हमको अच्छा सा ट्रीट देना मांगता। अब ये देख लें, ये क्विकली से हो गया, दो अंडे मैंने जल्दी से लेने और उनको विस्क 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 कर रहे हैं, क्योंकि हमने 6 टोस्ट बनाने, जितना हो उतना आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं अमारा बोल रही हूँ नीलम वैली से। मिया वैली से? नीलम वैली से, वाओ नीलम वैली। अच्छा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे हमारा। हेलो जी, हमारा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। जी मैंने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया है, अभी तो मैं आपको शो देखती रहती हूँ, जब भी छुट्टी होती है तो बड़े शौक से देखती हूँ। अच्छा तो नीलम वैली में किस जगह पे, कुटन की तरफ रहती हैं या बाद में? नहीं ये तो नीलम वैली आठ मकाम, प्रॉपर आठ मकाम। अच्छा आठ मकाम पे, ओए होए होए वो तो काफी आगे है। जी जी मैं आप आए नहीं कभी? जी जी मैं आठ मकाम तक, अब केल तक गई हूँ, केल तक। अच्छा और बड़ा मजा आया था, हम लोग गए थे मामू के साथ में, हम बचपन में ट्रिप थी हमारी, और इन सब जगहों पे घूम फिर के आ चुके हैं, आठ मकाम पे हमने खाना खाया था जी। फिर कभी आना ना? नहीं मैं अभी रिसेंटली गई थी, लेकिन कुटन कॉटेज, कुटन तक ही गई थी, कुटन जागरान वैली जो है वहां तक गई थी। अच्छा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊंगी तो आपसे हमारा जरूर मुलाकात हो सकती है, क्या पता। अच्छा चलो ठीक है, चलो यार जबरदस्त। अच्छा आज का सवाल बता दो कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाला फड़फड़ाने वाला परिंदा कौन सा है, लंबी उम्र किस परिंदे की होती है? सबसे ज्यादा लंबी उम्र, हाँ सियाना भी बहुत होता है। चलो इतना मैंने आपको हिंट दे दी है। अच्छा कोई परिंदे, कोई तो परिंदे का नाम आता होगा कि नहीं आता? उकाब। उकाब ओके ठीक है, चले उकाब आपके लिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब थैंक यू, इन्होंने आठ मकाम से फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया। अब इसमें तवा आपने अलहदा लेना है, तवा बेशक आपका वो वाला हो जो क्या कहते हैं नॉन स्टिक वाला, वैसे तो मैं नॉन स्टिक में नहीं बिलीव करती। अब हमने क्या करना है, टोस्ट लेने,
टोस्ट आपने लिए एक बड़ा ये वाला, इस सारे ये वाले इसमें कर लेते हैं। टोस्ट आपने लिया, उसके ऊपर आपने ये जो बैटर, ये जो हमने मिक्सचर है ये बनाया, इसको अच्छी तरीके से फैला लिया, ठीक है, बराबर तौर पे फैलाया, ये फैलाया। इसके ऊपर अब हम अंडा जो है वो चम्मच से डाल देंगे इस तरह, ताकि ये ज़ाहिर है ये बाइंडिंग एजेंट भी हो जाएगा और ये फ्राई होने के बाद ना बहुत ही मज़े का चिपकू हो जाएगा, उन मेहमानों की तरह जो घर आके चिपकू नहीं हो जाते, जाते नहीं हैं, सॉरी ना जी, कभी कभी कहना पड़ता है, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं, ये वो वाले होते हैं जो फ़ोन पे जैसे ही फ़ोन बंद हो रहा हमेशा पूछते हैं और सुनाइए क्या हाल है, भाई फ़ोन ही नहीं बंद होता फिर कभी। ये लिया और इसको हमने ये नाजीन, बिल का फ़ोन आ गया है, बिल दे दें अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हिना बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है हिना, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहोगी हिना? ये जो आपने बना रही है, लास्ट टाइम आपने वो भी बनाना सिखाया था जिसमें आपने कटर से काटा था ना बीच में से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। अच्छा बना था, चलो वंडरफुल यार, थैंक गॉड। कोई रेसिपीज जो है वो इतनी फैंसी कभी कभी होती हैं, लेकिन ये कि आप जब बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। और ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर, ब्लू। अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा है ना, कितने दिनों के लिए आई हुई हो? मैं अगस्त में इंशाल्लाह जाऊंगी, 2 मंथ्स की वेकेशन है। आई हाय, देखो ना, दो अब जब जा रही थी दोहा तो कितना वो हो रही थी, क्या दूर जा रही हूँ फलाना, अब आ जाती है ना, देखें वही ना, पहले मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वहाँ पे सेटल होने में, लेकिन अब ये कि देखो ना, अल्लाह ताला आपको ये चांस देता है चीजों का, तो फिर अगर हम अपनी उसकी वजह से ना इस चांस को अवेल करें तो फिर तो हमारी वो है ना। आपके बल्कि लाइव सेशन में अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया था मैं उस वक्त, काफी मुझे ये था कि मैं क्विट करके वापस आ जाऊं, बट वो जो आपके इंस्टाग्राम में लाइव सेशन था उसी में मैंने फिर, आपने मुझे एफर्ट किया, आपने मुझे कहा कि भी थोड़ा सा टाइम दो, गिव टाइम टू योरसेल्फ, तो उसके बाद फिर मैंने अपना आप, सी यू मस्ट बी देयर ऑन योर ओन, और जितना मजा आता है इंसान को, इतनी चीजें इंसान डिस्कवर करता है, और चीजों के बारे में नहीं अपने बारे में कितना कुछ डिस्कवर करता है। एग्जैक्टली, अपने बारे में मैंने काफी कुछ डिस्कवर किया। यहाँ लोग होते हैं मुस्तकिल बोलते रहते हैं ये क्यों वो क्यों फलाना, तो आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता कभी। अच्छा मिशी, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि आज मेरी बर्थडे है। ओह लवली, मेरी भी है, मेरी सिस्टर जो ट्विन है उसकी भी है, और हमारी मेरी जो बहन की बेटी है उसकी भी है। चलो अच्छा, हिना है और साथ में आपकी सिस्टर का नाम है, और अलवीरा, हिना अलवीरा और निदा, निदा निदा अलवीरा और हिना, हिना हिना अलवीरा और निदा। अच्छा तीनों 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 का भी विश करती हूँ मैं हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वन, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बर्थडे। नाजीन बर्थडेज जो है ना मुझे बहुत पसंद है, ये देख लें, बस आपने इसको इसी तरह कर करके एक एक फ्राई हो गया, ओह कि आज आँच बहुत ज़्यादा तेज है। ओके निदा अलवीरा एंड हिना, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Neda, dear Alvira, dear Hena, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Hena, Neda and Alvira, and have a great one, God bless you all, and twins and Azin ye is wajah se mashallah se, aur Alvira inki wo hai niece hai. So have a great one. अकेले अकेले केक खा लेंगे अब आप लोग, हम को नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग खुद खा लें, एंड हैव अ ग्रेट वन। और जिस जिस की भी आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ से ख़ास ख़ास मुबारक। अच्छा ये देख लें आज ही 4 बना लूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे, और फिर जब वापस आएंगे तो फ्रॉस्टिंग जो है वो मैंने फ्रिज में रखवाई है, थोड़ी सी वो पतली हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको रेफ्रिजरेट करना बड़ा ज़रूरी है, तो वो मैं कपकेक्स पे आपको दिखा दूंगी, ग्राम्स का भी आपको बता दूँगी, जब तक हल्की आंच कर दी है। ये 6 कपकेक्स जो है ये बने हैं, 50 ग्राम आपने बटर लेना है, यानी जो मक्खन होता है, 50 ग्राम चीनी, और 50 ग्राम जो है इसमें डलेगा फ्लार, जो कि मैदा होता है, इसके साथ साथ 1 अंडा डलेगा, और 1 टीस्पून लेवल्ड, लेवल टीस्पून, वो वाला नहीं जो हम लोग चाय वाला पीते हैं, जो बेकिंग वाला टीस्पून है,
वो एक बेकिंग पाउडर का डलेगा, इसको अच्छी तरह आप अच्छी तरह उससे वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, बीटर से बीट करके कपकेक्स के जो ये पेपर्स होते हैं जो इसके बेक करने वाले होते हैं उसमें आपने इतना इतना डालना है। जो आइसिंग हमने करनी होती है तो बिल्कुल ही ऊपर से फ्लैट होना चाहिए। अब क्योंकि ये फ्लैट है तो इसके ऊपर आइसिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो ये मैंने, अगर आपने 12 बनाने तो उसके लिए आपको 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम चीनी, इस तरीके से आपको बढ़ाना होगा। 200 ग्राम, अगर 200 ग्राम आप करेंगे तो फिर आपके जो है ना 48 बनेंगे, 24 जो है आपके बनेंगे 100 में, नहीं सॉरी 24 बनेंगे आपके जो 100-100 का है और 48 बनेंगे 200-200 का रेशो। ग्राम्स में करेंगे आपके लिए इजी होगा, कप सिस्टम को छोड़ें, उसको खुदाफिस कर दें। अच्छा ये हो गया। मैं चाहूँगी कि वो सुजुकी को आप कह दें जो पाइपिंग बैग अगर ले आए तो बहुत अच्छा, मैंने फ्रीज़र में रखवाया था। कॉल करने के लिए 0514102251 पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसको मैंने कट करना था सिर्फ, अब थोड़ा सा ये वो ठंडे हो गए तो इसको अब हम कट कर लेते हैं अपने शेफ्स नाइफ से, क्योंकि उसी से सबसे अच्छा कटता है। ये लिया आपने और ये देख लें, ये आराम से कट जाते हैं। अच्छी छुरी आपके पास होनी ज़रूरी है, आपको इस तरीके से काट लें तो ज़्यादा अच्छा है, डाइट भी आपकी बरकरार रहेगी और हर कोई खा भी सकता है और थोड़े कम खर्च भी होंगे। आजकल महंगाई बहुत है इसलिए मैं उस तरीके की चीज़ें भी बता रही हूँ, क्योंकि जो फैंसी लगे और लगे कि वो हो जी बहुत ही महंगी चीज़ है, बट ये आप एज अ स्नैक भी दे सकते हैं। ये देख लें, जब आप कटिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की तो उससे उसकी खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है। ये लास्ट टोस्ट है, इसके बाद हम ब्रेक में और बना लेंगे। ये देख लें, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आपने इसको भी लिया, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। और हमारी आज की जो रेसिपी है टोस्ट मेलबा, वो आपके सामने तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं, आप खाली सब्जियाँ दूसरी वाली भी ऐड कर सकते हैं, बस आपने फ्राई करने का स्टाइल ऐसा ही होगा। ये हो गई हमारी आज की रेसिपी, तरह ये हो गया नाज़रीन। अब सिर्फ मुझे फ्रॉस्टिंग करनी है। फ्रॉस्टिंग के लिए अगर आ जाए तो मैं अभी 2 मिनट में कर लूँ, वैसे मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। ओके नाज़रीन, हैं नहीं आया अभी तक। ओके नाज़रीन, फिर उसके बाद जैसे ही हम आएंगे ना, मैंने कहा साथ साथ जो मैं ये काम इसलिए भी करती हूँ कि ख़वातीन देख लें कि साथ साथ आप अपने किचन को साफ भी कर दें ना, ये ना हो कि खिलारा इतना हो जाता है उसके बाद फिर इतना वो किजड़ विजड़ बहुत होता है। अच्छा अब आपने देख लें, ये हो गए हमारी। इसके साथ आप कोई भी छोटा, एक तो मेरे बोल्स पता नहीं किधर गए हैं, हाँ ये चलें इसमें फ़िलहाल रख देती हूँ, इसमें रख देती हूँ। इसमें आप सॉस जो है वो रख सकते हैं, कोई मिंट चटनी टाइप चीज़ है वो रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके बीच में रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा लोगों का दिल होता है ना, थोड़ा सा किसी के साथ टच करके खाएं सिंगल। ये देख लें, ये कर दिया मैंने। और ओह गॉड वेयर इज़ द केचप, किधर है गुलदाद भाई? अच्छा ये है, चिली गार्लिक सॉस में डाल रही हूँ। ये हमने लेके डाल दिया, ज़बरदस्त सा फ्रॉस्टिंग। अच्छा ये देखिए नाज़रीन, ये मैं बॉक्सेस लेके आई हूँ क्योंकि मैंने बेकिंग स्टार्ट की है, तो 12 के बॉक्स भी मिलता है और 6 का। ये देखें इसके अंदर कपकेक्स जो है, आप आराम से इसकी प्रेजेंटेशन आपने किसी के घर लेके जाना, ये देखें पूरा पूरा बॉक्स है। ये मैंने ख़रीदे हैं एक जगह से, लेके रख लिए, किसी के घर भी जाऊँ तो मैं बना के लेके जाऊँ। और इसको बंद कर लें आप इस तरीके से और इसी तरीके से लेके जाएँ, कोई शॉपर बैग ना लेके जाएँ। और इसको बंद करने के लिए मैंने इसका मुंह बंद, मतलब इसका स्कॉच टेप के बजाय मैंने ये स्माइलीज ख़रीदे हैं, ये मैं इसके ऊपर लगा दें तो किसी की बर्थडे है कुछ है तो होममेड आप लेके जाएंगे, सो इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड। सो अब ये मैं खा के भी चेक कर लूँ नाज़रीन कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन वाह, ज़रूर आपने ट्राई करना है। अब पता लगा नाज़रीन आपको कि क्यों मेरा वज़न कभी कभी बढ़ जाता है। नहीं अच्छा है, खाए पिया करें, कीटो डाइट पीटो डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज करें, कम कम खाएं, लेकिन सारा कुछ खाएं। अच्छा नाज़रीन अब एक
सॉन्ग सुनाना है आपको अहमद जहाँजेब का, वो चल के सुने, उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं। और कल के बारे में आपको बता दूँ, कल का शो आपने नहीं मिस करना। थैंक यू टू सर कामरान के, उन्होंने हमको बड़ा अमेजिंग आइडिया दिया। काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे कि कल से सैटरडेज़ को हम किड स्पेशल किया करेंगे, तो जो अच्छे अच्छे मज़ेदार ब्राइट बच्चे हैं वो हमें इनबॉक्स करें के2 सर मिशी खान के पेज पे, अगर उन्होंने शो में हिस्सा लेना है। कल किड स्पेशल होगा, कल जो मैंने यहाँ चीज़ें सोची है ना वो उसी फॉर्म में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और इधर ला के पीक कर देंगे। ये पीक वैसे जब आपकी स्टिफ होगी, और ये मैं इसके ऊपर ये जो बॉक्स है इसमें डालती जा रही हूँ। ये देख लें, बहुत ईजी है, घर में बनाएं चीज़ें, बच्चों को भी ऐड करें उसमें, सो दैट आप ये बॉक्स में मैं डालती जा रही हूँ। प्लेन है ये, और मैं सोची थी संडे वाले दिन आपको मैं प्रॉपर बना के भी दिखाऊं ग्राम्स के हिसाब से, सो दैट आप लोगों के लिए बड़ा इजी होगा। तीन हो गए और ये हो गया चौथा। इस तरीके से आपने इसको कवर कर देना सारे को, और इसमें आप बेशक कोई भी और कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने वाइट ही रखा है क्योंकि रेड इसकी जो कपकेक्स के जो कवर्स हैं। ये लेके थोड़ी सी पीक बनानी है, ये करके पांचवा भी हो गया, और ये हमारा लास्ट है, ये आप देख सकते हैं। ए दैट्स इट, बॉक्स आपका रेडी हो गया। अब आपकी किसी की बर्थडे है कुछ है तो आप उस पर उनके लिए लेके जा सकते हैं घर से बने हुए, आपकी बचत भी हो जाएगी और घर में चीज़ बनेगी और लोग अप्रिशिएट भी ज़्यादा करेंगे। तो ये आपका बॉक्स हो गया, ये देख लें, ये हमारा कपकेक का बॉक्स है। इसको बंद करना है आपने ऐसे, और इस तरीके से ये जो मैं स्माइली लाई थी इससे लेके बंद कर देना है। ये देख लें, ये हमारा कपकेक्स हो गए, साथ में ये टोस्ट हो गए। तारा, आज की रेसिपीज़ आर कंप्लीट। सो ज़रूर जो है आप ट्राई कीजिएगा। बॉक्स साइड से भी बंद करना है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा टाइम सेव कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, स्पिरिचुअल हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है और कलर थेरेपिस्ट है। और अगर आपने पता करना है अपना थोड़ा हाल अहवाल ज़िंदगी का, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मदर का नाम आप देंगे तो ये आपको क्विकली से बता देंगे, जो भी आपके साथ हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। 0514102249 पे मेरे साथ मौजूद हैं द अमेजिंग गुलाम अब्बास गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गुलाम साहब? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैंने उनको अपना नाम और अम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी है, तो मैंने कहा सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। सो वेलकम ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दूसरी जो मेरी मेहमान हैं वो ब्लॉगर हैं, पोइट हैं, उनसे पूछूंगी हाउ डिड शी स्टार्ट ब्लॉगिंग। और ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स आजकल बहुत सोशल मीडिया पे जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को एंड सब को बल्कि, सो उनसे पूछेंगे। बहुत ही प्यारी सी नेहा चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम ऑन द शो। सुबह उठ जाती हैं आराम से? जी, इसलिए आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सो सब ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल। आपसे भी पूछती। अच्छा गुलाम साहब, आपने मेरा तो लिख लिया, अब आपने निकाल भी, मैंने कहा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग अगर कॉल करेंगे तो आपको क्या क्या पता लगेगा। अच्छा गुलाम साहब कुछ बताएं। देखें मिशी, दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैंने अभी आपका बना लिया है। मैं जब बना रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें माजी की होती हैं, कुछ प्रेजेंट होती हैं, कुछ आगे आने वाली होती हैं। आप बड़ी एनर्जेटिक खातून हैं माशाल्लाह नाज़रीन। अच्छा, लोग आपसे जेलस भी बड़े होते हैं। अच्छा, लेकिन आपके अंदर ना इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। माफ़ कर देती हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे चलो। हाँ, हमें किसी टाइम क्या अपना वेस्ट करूँ? वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ आप में बड़ी ज़बरदस्त है, आप जो सोचती हैं जो चाहती हैं वो हो जाता है। ये बड़ी, ये तो है माशाल्लाह से सर। अच्छा, आपकी जो अम्मी जान है, वालदा मोहतरमा है, उन्होंने हमेशा आपको एक ही दुआ दी है। अच्छा, वो दुआ जो है ना वो कंटिन्यूली आपके साथ चल रही है। उसकी वजह से जितने भी कोई अगर कोई परेशानियाँ या कोई ऐसी चीज़ बनती भी है ना,
بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بنتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت دعا ہے اس سے مجھے یاد ہے. سوری. السلام علیکم اماں, کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دار بھجن بار بھجن خار بھجن, آپ کو میرا خاص سلام. یہ میرا ہر شو میں ہوتا ہے یہ, یو رائٹ. رات کو بھی سونے سے پہلے میری ان سے ایک دا بات ہوتی ہے, پھر صبح ہوتی ہے, دوپہر میں ہوتی ہے, تاکہ پتہ نہ چلے کتنا ڈسٹینس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. جی بالکل جی, تھینک یو. تو یہ چیزیں ہیں. کوئی بری چیز بھی, بری چیزیں نہیں یاد کرنی چاہیے میرے خیال میں. ہاں بڑی اچھی بات کی ہے, بری چیزیں نہیں یاد, کیونکہ جو چیزیں گزر جائیں پھر ان کو پھر کیا یاد کرنا. اچھا یہ تو باتیں آپ نے بتائی نا, کچھ اور کچھ چٹ پٹی تاکہ ناظرین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. ناظرین یہ ہے کہ اگر ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے دو خوشخبریاں آ رہی ہیں. ایک تو سفر آ رہا ہے بڑا اچھا آپ کے لیے. اچھا. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو روکڑا بھی آنے والا. اے ناظرین, اس کا تو مجھے بڑی دیر سے انتظار ہے. اچھا آنے والا روکڑا, اس کی مجھے خوشی ہوئی ہے. کب آئے گا یہ نہیں پتا, بس جلدی آئے گا. یہ جولائی کے انشاءاللہ اینڈ میں, لاسٹ ویک تک, اور اگست کے سٹارٹ میں آئے گا. سٹارٹ میں آئے گا. اور کوئی خوشخبری, اور کون سی خوشخبری سننا چاہتی ہیں؟ ایک ہی, لوگ تو ایک ہی خوشخبری کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جی آپ شادی کب کر رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو شادی کا میں اکثر لوگوں کا یہ ذائچہ بناتا ہوں, تو لوگ شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. جی, شادی کا جو فیصلہ اور کمانڈ ہوتی ہے نا, وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ ہمارے حساب لگانے سے یا کسی کے کہنے سے نہیں شادی ہوتی. اچھا, وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی, اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ ابھی ڈیسیجن کریں, آپ پانچ دن میں شادی کر لیں گے, اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پانچ سال میں بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاں مجھے لگتا ہے میں خود ہی نہیں کرنا چاہتی. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں, لوگ تو اکساتے رہتے ہیں, اچھا نا آپ کر لیں شادی, اچھا ابھی ہمیں بھی بریانی کھانے کا موقع مل جائے گا, اچھا ابھی آپ کچھ کر لینا, کچھ مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ تو باتیں نہیں ہیں شادی کے لیے. شادی تو انر سیلف ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکسیپٹنس کیا ہے, کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ غلام صاحب. یہ بات ہے کہ ماشاء اللہ سے ٹچ ووڈ, یہ میں خود بھی ماشاء اللہ اس لیے کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی نظر زیادہ لگتی ہے. بالکل, کہ انرجی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں میں ایسی کر جاتی ہوں کہ میں جب مجھے تھک کے سو رہی ہوتی ہوں, کہتی ہوں میں نے گاڈ میں نے یہ کیسے کیا. اچھا ویسے آپ سوتی ہیں؟ جی کبھی کبھی. ڈیپ سلیپ؟ کچھ اتنی ڈیپ ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی, اور کبھی بہت لائٹ سلیپ ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ویسے اپنا صدقہ دیں. اچھا. ہاں, کیونکہ آپ کے صدقات میں جو ہے نا, تقریباً 6 صدقات جو ہیں نا وہ ڈیوز ہیں. وہ کس ٹائپ کے صدقات؟ صدقات تو ویسے جان کے بدلے جان ہی دینی چاہیے صدقہ, کوئی بکرا وغیرہ دے. اور صدقہ دینے کا طریقہ جو میں اکثر پروگرامز میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بکرا لیں, اس کو اپنی پریمیسز پہ لائیں, اور اس کے اوپر ہاتھ رکھیں, اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ جو بھی میرے اوپر مصیبت پریشانی بیماری ہے, وہ میں اپنی جان کے صدقے بدلے میں یہ جان صدقہ کرتا ہوں. اس کو ذبح کروا دیں, بکرا اور خون ادھر پڑا رہے ایک گھنٹہ دو, آپ گھر سے باہر نہ جائیں. اچھا, تو آپ باقاعدہ فیل کریں گے کہ آپ کے اوپر سے کوئی ایسی پرت جو ہے وہ اتر چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو خون کو جو ہے وہ آپ صاف کر دیں. ٹھیک. اور بکرا جو ہے وہ کسی کو بھی دے دیں. اچھا غلام صاحب, جب میں جب بھی کراچی جاتی ہوں نا, جی, تو میری والدہ کا یہ بالکل وہ ہے, حالانکہ میں کبھی کبھی اتنی جلدی میں بھی ہوتی ہوں, کبھی سو رہی ہوتی ہوں تو بکرا وہ کمرے میں آ جاتا ہے. اس کو آدمی کو کہتی ہے بھائی ادھر لے آؤ, ہاتھ رکھ کے وہ نیند میں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, تو وہ فوراً ان کا ہوتا ہے کہ ایک بکرا دینا ضروری ہے. وہ ماشاء اللہ اس میں بہت وہ. اور دوسرے جو طریقہ کار ہے وہ جو میں خود کر سکوں وہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی گوشت لے لیں ایک کلو سارا, ٹھیک ہے, اور اپنے اوپر سے وار کے اس کی چھوٹی بوٹیاں پہلے کروا لیں, ٹھیک ہے, اور اپنے اوپر سے وار کے 7 دفعہ, ٹھیک ہے, اور اس کو پیچھے پھینک دیں, لیکن پیچھے دیکھنا نہیں پھر مڑ کے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. یہ تو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک پاؤ دودھ لے لیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے اوپر سے وار کے, جیسے آپ صبح اسٹوڈیو آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کسی کو بھی دے دیں, غریب کو راستے میں, سگنل پہ اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جانوروں کو بھی کھانا کھلانا وہ بھی صدقہ ہوتا ہے؟ ہاں, مچھلیوں کو آپ ڈال دیں, پرندوں کو ڈال دیں, اس طرح کر دیں, کیٹس کو, ڈاگس کو بھی وہ کر دیں, تو وہ بھی بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا مجھے دوبارہ سے
ریچارج کر دیا صدقے کے حوالے سے. ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں 051-410-2249 پہ, غلام صاحب سے اپنے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ نیہا چودھری ہیں, بلاگر اینڈ پوئٹ. بلاگر کیسے بن گئیں؟ کیسے بیسکلی اٹ واز لائک رینڈم آئیڈیا. سو لائک میں سکس کلاس سے تھی تو جرنلنگ اسٹارٹ کرتی تھی. لائک جیسا بھی دن گزرتا تھا, اسٹریسفل گزرے, جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ لائک ڈیئر ڈائری, آئی ایم سو سیڈ اور آئی ایم سو میڈ, دین آئی وڈ لائک رائٹ آل آف دا اسٹف دیٹ ہیپنڈ. اور پہلے تو میں اپنے سارے ایموشنس ریلیز کرتی تھی اس کے اوپر کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. دین ایٹ دی اینڈ آئی وڈ لائک اینالائز آل دا تھنگس کہ کیا میرے دن میں کیا کیا چیزیں ہوئی, اینڈ ہاؤ کین آئی دا نیکسٹ ڈے ہاؤ کین آئی بیکم اے بیٹر پرسن. ٹھیک ہے, تو بیسکلی بابا نے آلویز ایموشنل سپورٹ دی تھی کہ یو شوڈ لائک آلویز ایکسپریس یور ایموشنس, اینڈ وین یو ایکسپریس ایموشن لائک یو آر ناٹ لائک آلویز ہیپی اور لائک دیٹ کہ 24/7 آپ جوائس پرسن رہو گے. تو آئی وڈ لائک ایکسپریس ایموشنس کریں گے اور لائک اس کو پوئٹری کے فارم میں لکھو, سو دیٹ دی ادر پرسن کوڈ ریلیٹ کہ آئی ایم آلسو گوئنگ تھرو دس بیکاز شی از گوئنگ تھرو دس اینڈ آئی کین گیٹ تھرو دس. سو بیسکلی دیٹ واز دا مین موٹیو, بیکاز وین یو گیٹ ٹو مائی پوئٹری, وین یو لسن ٹو اٹ, آپ دیکھتے ہو کہ اس میں تھوڑا آپ کو سیڈ ٹچ آتا ہے, بٹ ادرس کین ریلیٹ ٹو اٹ. کامنٹس آتے ہیں کہ اٹس بیوٹیفل بٹ اٹس ٹریجک, اینڈ سو دیٹس لائک ریئلی دیٹس ریئلی انکریجنگ فار می. اور دیٹس آل. اچھا تو آپ کیا پوئٹری انگلش میں ہوتی ہے؟ پوئٹری انگلش میں ہوتی ہے. تو کچھ تھوڑا سا سنائیں. پوئٹری انگلش بیسکلی آئی رائٹ, سو آئی کین ناٹ لائک. اچھا آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں, مطلب آپ لکھ لیتی ہیں؟ یہ میرے ساتھ بھی ہے, لکھی ہوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے, لکھ کے جو ہے وہ چیز پرنٹ ہو جائے. اوکے, ونڈرفل. یاداشت کا تعلق لکھنے سے ہے, جو چیز آپ ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. غلام صاحب جب بھی میں کوئی مشکل اسکرپٹس کرتی تھی نا, لائک کوئی ڈائیلاگز نہیں یاد ہو رہے ہوتے تھے, تو میں اس کو 5-6 دفعہ لکھنا شروع کرتی تھی. تو لکھ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیوز اور وہ یاد ہو جاتا ہے, ریکال فیکٹر ہوتا ہے. بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ کلر تھراپی, اب ایک آپ کلر تھراپسٹ بھی ہیں, تو جو ہمارے ناظرین ہیں اس کو کیا, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کلرس اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں جی جی, وہ ساری کلر سے ہے. بالکل. اچھا ہر چیز کا ایک اورا ہے, ایک اس کا انرجی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. انسان کی باڈی سے 6 inch دور ایک روشنیوں کا ہولا ہے جو کلرز کا ایک بنا ہوا ہے, جیسے رینبو. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر جتنے فیکٹرز بنتے ہیں بیماریاں, وہ بیسیکلی اس باڈی کے اندر نہیں آتی, وہ اس کلرز کے کم یا زیادہ ہونے سے افیکٹ کرتی ہیں باڈی کے اوپر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلرز کو اگر آپ مینٹین کر لیں, کلرز کی لینگویج کو سمجھ جائیں, آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا کچھ سٹارز جیسا 12 سٹار سائنز ہیں, اس میں ان کے لیے کچھ کلرز جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جو 12 سٹارز ہیں اس میں 3-3 جو ہیں وہ 3 آبی ہیں, پانی کے ہیں, 3 آگ کے ہیں, 3 ہوا کے ہیں, اور 3 جو ہیں وہ مٹی کے ہیں. مٹی کے ہیں, صحیح ہے. اسے کہتے ہیں آگ, مٹی, ہوا اور پانی. جی. اربع عناصر, یہ 4 اربع عناصر مل کے ہی ایک مرکب بناتے ہیں, اور اسی مرکب کی روشنیوں سے پوری کائنات ڈیولپ ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اب میں آپ کا اورا دیکھ رہا ہوں, آپ کی جو روشنیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں مجھے. ٹھیک ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی باڈی کے اندر کہاں کہاں پہ کیا کیا افیکٹس ہیں, کون سے مسلز لوز ہیں, کون سے مسلز جو ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں, کون سے برینز سیلز جو ہیں آپ کے خیالات کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں بات کر رہا ہوں, آپ کے کلرز چینج ہو رہے ہیں, آپ کے اندر ایک نا ایک خیالی, مطلب خیالی, صحیح, ایک چیز, ضروری نہیں ہوتا کہ بولا جائے, لیکن جب ہم جو چیز سنتے ہیں اور ہماری آنکھ کی نظر کسی چیز سے جا کے ٹکراتی ہے, تو ہمارے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے. جو آواز صرف ہم خود سنتے ہیں, مثال کے طور پہ انر وائس جو ہوتی ہے آپ کی, انر وائس, اس انر وائس سے ایک کلر جنریٹ ہوتا ہے. اچھا اچھا. ہم کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کیا امپریشنز دیتے ہیں؟ عجیب سٹریس ہو جاتا ہے آپ کی شکل کے, مطلب
कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई कलर बुरा नहीं होता। अच्छा अच्छा, हम तीन चार लोग बैठे हुए और एक तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे कलर लगे हुए, हम कहते हैं कि मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, ये जो फलां कलर जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। इनको वो कलर शायद हम दोनों से ज़्यादा अच्छा लगे या वो मीडियम में रहे, तो इसलिए हर कलर की पोटेंसी जो है वो आपकी बॉडी के इनर सेल्फ जो है वो काम करती है। अच्छा सबसे पहले क्योंकि आपने मेरा बताया, तो कैंसेरियंस कैंसर जो हैं उनको क्या कलर ज़्यादा पहनने चाहिए? उनको ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, ब्लू भी, ब्लू भी, ब्लू बेसिकली हम जो कलर फील करते हैं या अपने इंट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कलर्स, वो कलर हमारी बॉडी के अंदर जो है कमी की वजह से हम उस कलर की तरफ ज्यादा जाते हैं, ज्यादा जाते हैं। वैसे तो ख्वातीन ब्लैक कलर ज्यादा पसंद। हाँ, जो कि मैंने अब थोड़ा बिल्कुल कम कर दिया, पहले मैं बहुत पहनती थी। तो ये बताएं गुलाम साहब, कौन से कलर कैंसेरियंस को नहीं पहनने चाहिए? जैसे रेड है, रेड नहीं पहनना चाहिए, उससे वो बहुत ज्यादा हैश होना शुरू हो जाता है। क्या वो बिल्कुल अपोजिट है उसके? अच्छा, वो उससे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका ज़ेन जो है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं है, कूलिंग इफेक्ट नहीं है, ज़ेन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई कैचिंग कलर जिसे हम कहते हैं, वो कलर हैं जो उसको अपनी तरफ इंट्रैक्ट करे। मिसाल के तौर पे वो ग्रीन कलर, वो चाहता है कि जी मैं ना बाग में रहूं, हैं, खुली फिजा में रहूं। अच्छा, कोई मेरे लिए ऊंचा ना बोले, मेरे ऊपर कोई हुक्म लागू ना करे, सही, मेरी सारी बात सुने, ये उस कलर की खसूसियात है। अच्छा, उसमें वो खुश रहना पसंद करता है। अच्छा, वाइट हो, वाइट ऐसा हो कि वो कलर ऑफ प्योरिटी, प्योर आप फील करते हैं, प्योर फील करते हैं आप, उसमें ना ख्वाबों में चले जाते हैं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस कोई भी कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। अच्छा, आपका क्या स्टार है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनका भी बताएं गुलाम साहब। 1999 उर्दू में बोलो, इतने सारे लोग, हम लोग अंग्रेजदान कहाँ से आए, कहाँ से आ गए हम लोग इतने अंग्रेजदान। हाँ बताओ, उर्दू में। जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा था कि जो मैं फील करूँगी मैं वही लिखूँगी, तो आई वुड लाइक आप मेरे जो फीलिंग्स हैं या फिर मेरी जो ओपिनियंस है आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई वुड राइट इट एंड देन मैंने लिखना शुरू किया। मैंने डिप्रेशन के ऊपर लिखा, एनजाइटी के ऊपर लिखा, सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखा कि आजकल जो लोग हैं दैट दे आर इंक्लाइन टूवर्ड सोशल मीडिया टूवर्ड्स अलॉट, और वो आपके लिए कितना डैमेजिंग होता है, इसके ऊपर लिखा मैंने। और आई हैव रिटन ऑन स्टफ लाइक दिस, लाइक के अनकंडीशनल लव, कि आपका जो मोहब्बत करते हो उसकी क्या कंडीशन होती है, कि आप जो मोहब्बत करते हो दूसरे इंसान से उसके लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं, और लेकिन जो मोहब्बत सच्ची होती है उसके लिए आपको कोई कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड होती। फॉर एग्जांपल दैट इज अनकंडीशनल लव, ये वगैरह, जो कि आपके वालदैन आपसे करते हैं, जो कि आपके वालदैन आपसे, जो कि अल्लाह ताला आपसे करते हैं, और अल्लाह ताला के बाद वालदैन करते हैं। ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस। मेरे साथ नेहा चौधरी हैं और आपने इनके बारे में निकाल लिया, लेकिन ब्रेक का वक्त, एक कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो फिर आपकी कॉल्स भी लेनी है, क्योंकि मुझे इशारा आ रहा है काफ़ी सारी कॉल्स हैं गुलाम साहब के लिए, हर कोई अपनी बारे में पता करना चाह रहा है। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं। और इनका जो, मेरा तो बता दिया था इन्होंने, इनका रह गया था जो कि बिलीव नहीं करती, लेकिन हम आपको बिलीव करवाएंगे भाई। तो गुलाम साहब आपने क्या निकाला फिर इनका? देखें, इनकी दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ।
अगर इजाजत दें. इजाजत है भाई. बिल्कुल. क्योंकि ये कॉन्शियस हो रही है. नहीं नहीं. अच्छा देखिए, एक तो ये है कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रोकी हुई है. अच्छा, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो ये खुद बाहर नहीं निकाल पा रही. अच्छा, ये फैसला नहीं करती, फैसले का इंतज़ार करती है. इसकी वजह से ना टाइम गुजर जाता है इनके. हालांकि ये बहुत, इनका स्टार जो है स्कॉर्पियो है, दोस्ती बनाने में बहुत अच्छी है. लेकिन डायनामिक लोग होते हैं, बहुत डायनामिक. मेरे वाला स्टार है, लेकिन इसके साथ जो है ना, ये लोगों को लूज बहुत जल्दी कर देती है. इम्पेशेंट लग रही है मुझे. इम्पेशेंट है. नॉट. सबर तहमुल कम है. जल्दबाजी में. इरेटिक. अच्छा, दो चीजें मैं इनको बताता हूँ. ये जो इनका माजी है वो बिल्कुल इन पे फिट बैठती है, और एक बात इनके आगे के लिए ताकि ये आगे स्टैंड कर सके. लोगों से बातें शेयर करना बंद कर दें. ठीक है, तो आपकी ये सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी. वैसे लोगों से एक दफा आप किसी को कहते हैं ना यार, किसी को बताना नहीं, बस वो समझ लें पूरी जगह फैलेगी बात. ठीक है, कभी नहीं. दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को समेट के रखें. ये जितना आपने फैला दिया है ना, ये खुद आपके अपने कंट्रोल में नहीं है. उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा. यू वांट टू डू मेनी थिंग्स, बट एक टाइम में थोड़ा सा अपने आप को कंटेन कर लो, ये कहना चाह रहे हैं. और तीसरी बात ये कि आप अपनी, आपका जो स्टार है ना, वो तालीम में बहुत आगे जाना चाह रहा है, लेकिन आप तालीम से बागी हो गई. ऐसा है? नहीं. अभी तुम क्या कर रही हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. लेकिन पढ़ें आप, मज़ीद आगे जाएं, एमफिल करें, पीएचडी करें, इसमें वो करें, लेकिन दिल से करें ना. अभी तो ये सारा कुछ प्लान किया हुआ चल रहा है. और कुछ अगर आप पूछना चाहें, एक सवाल पूछ सकते हैं. अच्छा, तो आई विल लाइक एग्री टू सम ऑफ द थिंग, बिकॉज शेयर मैं करती हूँ, और जहाँ तक बात है कि मैं फ्रेंडली भी ज़्यादा हो जाती हूँ. बट इजंट इट लाइक, कैन इट बी टेकन, ये पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है? यही तो नेगेटिव है. पाकिस्तान में लोगों को कुछ शेयर करना, समझ लो कि वो फिर काम ही नहीं होता. है बात ना जी. और एक कॉलर भी है, आप अपना सवाल सोच लो, मैं कॉलर ले लेती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मिशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मिशी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, शो भी बहुत जबरदस्त है. थैंक यू. आपकी कुकिंग नहीं देखी, थोड़ा सा सेगमेंट मेरा मिस हो गया. चलें रात में 11:30 बजे देखना. क्या बनाया आज आपने? आज बनाया था टोस्ट मेलबा, बनाया था बड़ा मजे के बने, और जो कप केक्स है उस पर आइसिंग करके बताइए. मैं उसे रिपीट में जरूर देखूंगी. जरूर जरूर. और जरूर एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी. लार्जर पैरट जो है वो, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है बर्ड में. पैरट मतलब तोता. जी ठीक है. और दूसरा, मैं आपके जो गेस्ट आए हैं उन्हें भी दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहूंगी. और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अपने हस्बैंड के बारे में, कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और अगर आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो एकदम उतर भी जाता है. लेकिन मैं उनके इसी गुस्से से, और उन्हें टेंशन भी, हर चीज की टेंशन रहती है कि अब ये काम मेरा हो जाए, मेरे लिए इसकी टेंशन है, ये काम मेरा हो जाए, चाहे वो हो भी जाए, अच्छा भी हो जाए, कभी बुरा भी हो जाए. उनका नाम क्या है? लेकिन ये कि वो बहुत हाई टेंपर मतलब रहते हैं, हर वक्त थोड़ा सा गुस्सा आता है. तो मैं जब बंद करूंगी तो प्लीज मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा. उनका नाम बताएं पूरा. मोहम्मद फारूक. मोहम्मद फारूक. वालदा का नाम? वालदा का नाम सुरैया खानम. और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उनकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो उनकी आईडी कार्ड में लिखी हुई है वो 30th January 1972. 1972. लेकिन गुस्सा बस किसी वक्त आता है तो बहुत ज्यादा शूट कर जाते हैं, और अगर उतर भी जाता है जल्दी. हाँ, उनको क्या करें, मेडिटेशन किया करें, थोड़ा सा सांस अंदर बाहर नाक से निकाले, मुंह से करें. बस वो नहीं निकाल देंगे जब ये मशवरा देंगे. नाजी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मियाँ वाली से हुमैरा की कॉल थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मुख्तार हामिद राजा जो है उनका भी बताएं, पहले उनका फिर हुमैरा आपका. लाइन से चल रहे हैं हम लोग सारे, और आप अपना सवाल याद कर लें. इनसे सवाल नहीं याद होगा, इसीलिए मैंने एक ही पूछा है. जब इसे अभी याद कर रही है वो, माइंड तो नहीं कर रही ना तुम, खबरदार माइंड किया.
اچھا مختار حامد راجہ صاحب کے لیے یہ ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں اور کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا انہیں اپنی لائف کو ایک پوائنٹ کے اوپر, زیادہ چیزوں کو بکھیرے نہ, ٹھیک ہے, کسی ایک لائن پہ, کسی ایک جگہ پہ, کسی ایک کنسنٹریشن کے اوپر جو ہے یہ کام کریں تو بہت کامیابی ملے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ان کا جو سٹار ہے وہ ویسے بھی کامیاب روشن ہے, جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, لیکن ان میں بھی یہی والا مسئلہ ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ سپریڈ کر دیتے ہیں, پھر پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر پرابلمز کو اکٹھا کرنے میں کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. مطلب لوگوں سے باتیں زیادہ نہ کریں. نہیں, باتیں ضرور کریں, مطلب شیئر نہ کریں اپنی, مطلب جو بالکل ایگزیکٹ اپنی پرسنل چیزیں ہوتے ہیں, اپنے پلانز ہوتے ہیں, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کبھی شیئر نہ کریں اس وقت تک جب تک وہ ان کو وہ سکسیس نہ کر, مطلب جب تک اس کو اچیو نہ کر, اچیو نہ کر, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ورد بتاتا ہوں, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں, انشاءاللہ کامیابی ہوں. یا حیو یا قیوم, جی, اوکے, ونڈرفل, تھینک یو. بھائی مختار, بتانا نہیں ہے چیزیں اپنی, میں اتنی دفعہ کہتی ہوں مت شیئر کیا کرو, آپ کے لیے بھی ہے کوئی سوال ہے اب؟ نہیں, سوال یہی ہے کہ مطلب آپ نے کہا کہ ڈس آرگنائز وغیرہ ہوتی ہے, تو آرگنائز کیسے کریں گے, کیسے کریں آرگنائز؟ اچھا یہ سوال ایسا ہے نا, یہ تو پروگرام کے بعد ہی میں بتا سکتا ہوں کہ آرگنائز کیسے کرنا ہے, لیکن ایک ایک جملے میں میں اس کو وہ کرتا ہوں. آرگنائز انسان اپنے آپ کو خود کرتا ہے, جب اس وقت تک وہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پاتا جب تک وہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہوتا, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا, تب تک وہ آرگنائز نہیں کرتا. ہمیں عادت ہے سننے کی اور چلنے کی, اس کے اندر دو فیکٹر ہیں, ایک رائٹ کا ایک لیفٹ کا. رائٹ کا یہ ہے کہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں اور اپنے ایک ٹارگٹ گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیفٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کھو جانے کا, ٹوٹ جانے کا, بکھر جانے کا, لیکن وہ ہمارے اوپر زیادہ مسلط ہوتا ہے, اس لیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ وائس کسی دوسرے کی ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں اپنی کیپیسٹی کا پتہ نہیں ہوتا, تب تک ہم آرگنائز نہیں کر پاتے. تو آپ اپنے آپ اپنی طرف توجہ کریں, اور یہ جو آپ لکھتی ہیں یہ اچھا کرتی ہیں کیونکہ آپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کر لیتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی آبزرو کریں, اپنے آپ کو آبزرو کریں. دنیا کے معاملات تو آبزرو کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں کرتے, اپنے آپ کو بھی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ غلام صاحب. ایک اور کالر ہے, ان کے بعد ہم نے ہمیرا کا بتانا ہے, آپ جب تک ان کا کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ ہیلو, جی جی, وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ آصفا بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آصفا کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ میں ایپٹ آباد سے. ایپٹ آباد سے, جی آصفا فرمائیے. جی میں نے آپ کے گیسٹ سے پوچھنا تھا, ان کو بھی السلام علیکم آپ کے دونوں گیسٹ کو. وعلیکم السلام. جی اپنے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ میرا چیک کر کے بتا دیں. جی جی, آصفا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ عذرا فاروقی. عذرا, عذرا فاروقی, جی. اور ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ میری 11 جون 1994. 11 جون 1994. جی جی. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے تھوڑا سا آج کل جو کچھ لائف میں پرابلم چل رہی ہیں تو آپ مجھے تھوڑا بتا دیں. سوری آواز ٹوٹ رہی, کیا کون سی پرابلم چل رہی ہے آج کل؟ میری تھوڑی پرابلم چل رہی ہیں کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور کچھ ایسے بھی میری قسمت کے حوالے سے, تو آپ چیک کر کے بتا رہے ہیں ایجوکیشن اور لائف کے حوالے سے. ٹھیک ہے میں بتا, ٹھیک ہے آصفا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینک یو. پہلے کوئکلی سے آپ اگر ہمیرا کا بتا دیں, وہ بیٹھ میاں کے بارے میں. دیکھیں عمیرہ, آپ ایک کام کریں, آپ کے میاں جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذمہ دار انسان سمجھتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا وہ جو ہائپر ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہائپر ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ان کی ایک تو بات کو ریئیکٹ نہ کیا کریں, جواب نہ دیا کریں جب وہ بول رہے ہوں, ان کو بولنے دیں, ایگزاسٹ ہو جائیں غصہ ختم. لیکن ان کو جب بھی پانی, چائے, لسی, کوئی بھی لیکوڈ چیز دیں, 11 دفعہ یا ودودو پڑھ کے اس پہ دم کر کے دیں, انہیں خود بھی کہہ دیں
कि आप जब भी चाय पानी शरबत लस्सी कोई चीज़ भी लें उसके ऊपर 11 दफ़ा या वदूदो पढ़ के ले, इंशाल्लाह ताला उनका गुस्सा ठीक रहेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ज़रूर वाकई में कभी कभी एयर प्लग्स मिलते हैं, जब लगा लिया करें कान में या कोई हेडफोन एक लगा लें, कोई गाने चला दें, ना रिएक्ट करें। मिशी एक बात आपने गौर की होगी जी, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, ये बीवियों का एक मिजाज बन गया है, वो चाहती हैं कि हमें कुछ कहा ही ना जाए, हमसे कुछ पूछा ही ना जाए, हमें कुछ जो है ना क्वेश्चन मार्क ही ना किया जाए। तो अगर आपने कर लिया तो जी मियां बुरा। हाँ ये भी है, तो ये भी सही बात, मतलब ये टाइम टू टाइम जो है ना ये चीज वेरी करती है, वेरी करती है, तो ये किसका कमाल है वैसे। एब्सोल्युटली। अच्छा गुलाम साहब एक और रह गया, वो आप चेक कर लें जब तक मैं नेहा से भी। अच्छा फेसबुक पे आपका है? फेसबुक के ऊपर पेज नहीं है। नहीं, और यूट्यूब पे? इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे किस नाम से? नेहा अंडरस्कोर चौधरी CHAUDHARY88 88 उस पे आपकी तस्वीरें हैं, उस किस टाइप का मटेरियल है? तस्वीरें तो नहीं है, बेसिकली इट्स ऑल लाइक माय फीलिंग्स एंड स्टफ। नरेशन आपने दी हुई है, मतलब खुद बोलती हैं आप? या लाइक ही वाज लाइक सेइंग के आप अपने बारे में नहीं जानती, सो बेसिकली मैं अपने इमोशन से ट्यून होती हूँ एंड आई राइट ऑल अबाउट माई सेल्फ, सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगे कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ एंड हाउ कैन आई लाइक ऑर्गेनाइज इट एंड हाउ कैन आई गेट बेटर, दैट्स ऑल। हाँ मतलब ये कि बेसिकली आप ज़रा फिलोसॉफिकल मोड में चली जाती हैं उसमें। मैं भी जाऊँगी देखने, फिलोसॉफिकल एंड यू गाइस कैन लाइक रिलेट टू अदर पीपल एंड स्टफ लाइक दैट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा गुलाम साहब हो गया जी जी जो आसफा नहीं, आसफा आसफा का मसला ये है कि इनको नजर बद है, हाय हाय, और नजर बद की वजह से ना इनको डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो है इनके तालीमी मिजाज में और इनके अपने मिजाज में भी जो है ना काफ़ी चेंज आया हुआ है। एक तो ये सदका दें, दूसरा एक टोटका बताता हूँ, वो टोटका लें ताकि उससे उसकी नज़र का जो है ना वो ख़त्म हो। फटकरी लेनी है तकरीबन 1 किलो और उस डलेदार लेनी है जिसके के अंदर तकरीबन 1 छटांग का 1 डली हो, उसको मगरिब की अजान से पहले 7 दफ़ा अपने सर से घुमाएं और तवे के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख के उसको रख दें, वो पहले लिक्विड बनेगा, उसके बाद वो गुगल सा बन जाएगा, एक फोम सा बन जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके ऊपर जिसकी नज़र लगी होती है उसका बुत बन जाता है। वो जब ठंडा हो जाए उसके ऊपर 7 जूते मार के उसको डिस्कार्ड कर दें, रोज़ाना करना है 7 दिन, इंशाल्लाह आपकी नज़र उतर जाएगी और आपका ये जितने प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगे। और अपना सदका दें, 1 किलो गोश्त ले लें, छोटी बोटियां करवा लें, उसको अपने ऊपर से वार के और उसको पीछे की तरफ फेंक दें, छत पे फेंक दें, किसी खुली जगह पे फेंक दें, मतलब कमरे में ना फेंके, कमरे में पीछे गोश्त गिरा हुआ है, किसी खुली जगह, खुली जगह पे, ये छत पे, तो इंशाल्लाह। सॉरी गुलाम साहब, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करती हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती ना कि ड्राइंग रूम में ना पीछे गोश्त पड़ के सड़ गल रहा हो, ऐसी जगह पे जहाँ कोई खा भी ले ना, चिरिंद परिंद। ये जो आपने कहा जूता मारने का, तो फटकड़ी वो जेली फॉर्म में वो जूते पे चिपकेगा? नहीं, 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 जेली फॉर्म नहीं, वो बिल्कुल ऐसे एक स्टैचू बन जाता है। अच्छा स्टैचू बन जाता है, रियली? हां हां, उसकी शक्ल भी आ जाती है, शक्ल भी आ जाती है, मेरे पे नजरबद है, मेरे पे नजरबद है, चेक करें। हाँ, मैंने आपको मैंने आपसे पहले आप मुझे बताया ना, तो मैं पहले आपको बताया, मैंने 50 जूते मारूंगी, नहीं नहीं सात ही मारने ये जूते, नजर वाला भी ना तांगो, गोली मार दूंगी इसको नहीं तवे के ऊपर ही। अच्छा ठीक है गुलाम साहब, इतना अच्छा लगा, लेकिन आई एम सो सॉरी हमारे पास वक्त इतना कम रह गया, बट आपने को मैं पर्सनल इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम में, आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। सो कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे? देखिए बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो इस वक्त सबब बन रहे हैं वो हमारा डिप्रेशन है, और डिप्रेशन इस वजह से होता है कि हम मुकाबलेबाजी करते हैं और मुकाबलेबाजी में हम ऐसे हालातों वाक़ियात में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारे अंदर एग्रेसिवपन बहुत ज़्यादा होता है। माफ़ करना सीखें, इग्नोर करना सीखें, आपकी बॉडी, आपका इनर सेल्फ, आपका ब्रेन बिल्कुल सही रहेगा, कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। और ये सुन्नत भी है, सुन्नत में सबसे बड़ी सुन्नत है माफ़ करना सीखें, खुशहाल रहें, है ना? कितनी अच्छी बात है, तभी आपकी शक्ल भी ठीक रहेगी और बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी।
ये बात सही आपने की जी. मैं इन चीजों पे टाइम नहीं वेस्ट करती है, बैठ के प्लानिंग और स्कीमिंग कर रहे हैं. टाइम वेस्ट करना. हम अपने हाल के लम्हे को जाया कर देते हैं मुस्तकबिल की खातिर. बिल्कुल. माजी को याद कर करके हम हाल जाया कर देते हैं और मुस्तकबल तारीख तारीख. अच्छा, आपके कोई फेसबुक का आईडी है जी? किस नाम से? गुलाम अब्बास गुल ऑफिशियल आईडी है. ओके. और उस पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं. गूगल पे सिर्फ मेरा नाम लिखें, गुलाम अब्बास गुल, आप मेरे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच गुलाम साहब, बहुत शुक्रिया. आप नेहा कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा सा पैगाम. मतलब इंसान की अपनी आवाज़ होनी चाहिए, उसको अपने ख्यालात आगे इंसान तक पहुंचाने का उसको पहुंचाने चाहिए. क्योंकि आप जब बोलते हो तो बहुत सारी वॉइसेस आपके दिमाग के अंदर होती हैं जो कि आपके आगे चीज़ें बोल रही होती हैं. तो आपके पास एक आवाज़ होनी चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप कुछ वैल्यूएबल बोलोगे और आगे वाले इंसान उसे रिलेट कर सकेगा तो इट विल रियली लाइक क्रिएट अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नाजीन, रात में रिपीट में हमारा शो देखना भूलिएगा. एक अच्छी सी पिक्चर, स्माइल, चीज. आज सबने कुछ ब्लू पहना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है. है ना, हमारे सुजुकी ने भी वही कलर पहना हुआ है. सो नाजीन, इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी. और कल का शो देखना नहीं भूलना, कल हमारा इधर आ जाते. अच्छा, सवाल का जवाब है कौवे की सबसे लंबी उम्र होती है. मैंने बीच में आपको कहा भी था जो सयाना होता है तो कौवा सयाना होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो बैठता बस गलत जगह पे जाके, उसके बारे में ये मशहूर है. मैं कह नहीं सकती. सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह. किड स्पेशल है, सरप्राइज़ है आप सबके लिए. यहाँ क्या क्या होगा ये फिर कल ही बताऊँगी. मैंने काफ़ी चीज़ें सोची, पूरा हफ्ता इसी में लगाया है कि क्या करेंगे हम लोग. सो इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी. आज का रिपीट में शो देखना ना भूलिएगा रात को 11:30 बजे. रेसिपीज़ और ग़ुलाम साहब के हवाले से और प्यारी सी नेहा, थैंक यू सो वेरी मच. एंड इंशाल्लाह नाजीन कल मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.